Mama. I've got somebody to say hello to you. Vijay Mama, hi. अरे क्या विजय मामा मामा विजय माल्या बोलो माल्या को पकड़ो अब तुम किसको पीएम बना दिया नमस्कार आदाब एंड वेलकम यू वाचिंग संडे शो विद सार्थक वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ उस जगह से स्टार्ट करेंगे जहां पर ज्यादातर न्यूज ब्रेक होती है यानी कि ट्विटर फर्क बस इतना है कि ट्विटर इस हफ्ते खुद ही न्यूज बन गया है बिलियनर इलोन मस्क ने महीनों ट्विटर का पीछा करने के बाद अब फाइनली रोका कर लिया है यानी कि ट्विटर को खरीद लिया है एंड द प्राइस वाज अ व्हॉपिंग 44 बिलियन डॉलर्स यानी कि 44 अरब डॉलर में इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा काफी लंबे समय से भाई साहब इस चिड़िया के पीछे पड़े थे और फाइनली इस इन्होंने उसको खरीद लिया है और खरीदते ही साथ इन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई सारे ऑफिशियल्स को नौकरी से निकाल दिया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया कंपनी खरीद के सीईओ को नौकरी से निकाल दिया चैड मूव जलवा है हमारा Now, first thing first, Musk का Twitter acquire करने का reason काफी interesting है. Musk का कहना है कि अब वो इस app को एक better debating platform बनाएंगे और left, right, center के echo chambers तक इसको सीमित नहीं करेंगे. Now, when I say that, I mean कि ये जो apps होती है ना, ये अपने algorithm से derive की जाती हैं. यानी कि आप जो कैसा भी content देख रहे होते हैं, जो कुछ भी आप consume कर रहे होते हैं, जिस किसी को आप follow कर रहे हैं, आप उसके क्या tweets देखते हैं, ये algorithm decide करता है. आप एक तरह का content follow करते हैं और वो उसी तरह का content आपको दिखाता चला जाता है. एंड अल्टीमेटली क्या होता है यू एंड अप इन अ एको चेंबर फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम पर आप ट्रैवल वीडियोस देख रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आगे जाके वो और सारी ट्रैवल वीडियोस आपको सजेस्ट करता है तो बेसिकली आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं आप किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है ये सोशल नेटवर्किंग एप्स डिसाइड कर सकती हैं इलोन मस्क का कहना है कि वो इस चीज को थोड़ा बदलेंगे साथ ही साथ वो जो शैडो बैन्स लगते हैं लोगों पे वो उन चीजों को भी हटाने वाले हैं मतलब डोनाल्ड ट्रंप और कंगना जैसे लोग अब ट्विटर पर वापस आएंगे क्या फालतू ट्वीट्स होंगे क्या फालतू लड़ाइयां होंगी कंटेंट ही कंटेंट अच्छे दिन अच्छा अगर आप अभी तक ट्विटर नहीं चलाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आज ही आईडी बनाओ और इस ब्यूटीफुल ऐप को एक्सप्लोर करो कुछ नहीं करना है दो सिंपल स्टेप्स हैं आईडी बनाओ सबसे पहले मुझे फॉलो करो और दूसरा कोई भी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ना वहां जाके पोस्ट कर दो कोई फेमिनिस्ट दिखे उसके रिप्लाई सेक्शन में जाके लिख दो आई बिलीव इन पेट्रियार्की कोई कांग्रेस वाला दिखे उसके नीचे लिख दो मोदी इज द बेस्ट पीएम कोई बीजेपी वाला लिखे उसके नीचे लिख दो राहुल शुड बी द नेक्स्ट पीएम एंड देन सी द वर्ल्ड बर्न विद अ बैग ऑफ पॉपकॉर्न्स दंगे कराएंगे क्या आप चलो अगली कंट्रोवर्सी बताता हूँ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने इस हफ्ते प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त की है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश की अगर इकोनॉमी सुधारनी है तो मेरे पास एक सजेशन है और वो ये कि हमारे नोट के आगे वाले हिस्से पर जैसे गांधी जी हमारे रहने दो बट पिच्छू वाले हिस्से पर श्री गणेश और माता पार्वती की फोटो लगा दी जाए भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए और रुको 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 जरा सबर करो जब बीजेपी वालों ने पॉइंट आउट करके कहा कि अरे नहीं 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 ये भगवान के नाम पर स्टेटमेंट ये तो हमारा स्टाइल है आप कॉपी मत करो तो एक आपका एमएलए आगे कहता है कि अगर आपको पसंद नहीं आए तो यू गो टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान जाओ मतलब मेरी केजरी मुझे से मैं आऊं नाउ ये समझना चाहिए कि यहाँ चल क्या रहा है एंड दिस इज वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स दरअसल इस टाइम पर गुजरात में आने वाले हैं असेंबली इलेक्शंस यानी कि वहां के चुनाव और इस टाइम पर जो देश की पॉलिटिक्स है वहां रिलीजन का सेंटिमेंट थोड़ा हाई है यानी कि जो भी हिंदू हृदय सम्राट वाली अपनी इमेज दिखाएगा वो ज्यादा वोट लेके जाएगा आम आदमी पार्टी को ये बात पता है ये बात केजरीवाल जी भी जानते हैं और ये इनकी स्ट्रेटजी है अब ये गलत है या सही है ये एज वोटर आप डिसाइड करें एंड बिलीव यू मी इस स्ट्रेटजी ने बीजेपी को सरप्राइज कर दिया है मतलब काउंटर करना ही था तो पता बीजेपी क्या बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया तो धर्म निरपेक्ष है सेक्युलर है क्या बोला तूने हाँ बीजेपी सेइंग इंडिया सेक्युलर है इट्स लाइक गौतम गंभीर प्रेजिंग विराट कोहली अर्नब गोस्वामी वर्किंग फॉर एनडीटीवी या बाबा रामदेव सजेस्टिंग एलोपैथी नाउ स्टेटमेंट के बाद तो सिलसिला भाई रुका ही नहीं आम आदमी पार्टी ने बोला भाई भगवान की फोटो लगाओ कांग्रेस वालों ने बोला नहीं नहीं अंबेडकर जी की लगाओ बीजेपी वालों ने बोला नहीं नहीं सावरकर जी की लगाओ किसी ने बोला नहीं मोदी जी की लगाओ और फिर सुधीर चौधरी ने बोला कि मालिक इतना सब कुछ लगा रहे हैं तो एक नोट में चिप भी लगा ही लेते हैं मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस
नो, मजा तो तब आया जब एक बीजेपी एमएलए ने नोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो फोटोशॉप कर भी दी, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि फोटोशॉप इज नॉट बीजेपी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। देखो, अगर सब अपना अपना लगा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के मैच के बाद विराट कोहली को भी कंसिडर किया जाए। अगर आप इस बात से सहमत है तो मुझे कॉमेंट में वोट करके बताओ। मीन वाइल गांधी जी भी लाइक, इन द लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी इन्वॉल्व्स मिस्टर बीन। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। हुआ क्या कि इस हफ्ते एक वर्ल्ड कप मैच हुआ जिसमें जिम्बाब्वे ने, जो एक काफी वीक टीम मानी जाती है, पाकिस्तान को एक रन से हरा दिया, जो लोग बोल रहे थे कि इस वर्ल्ड कप का काफी बड़ा अपसेट है। अब इस मैच के बाद अचानक से पाकिस्तानी मिस्टर बीन ट्रेंड करने लगा। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा पाकिस्तान को कि भाई अगली बार से ना असली मिस्टर बीन भेजना। तो मसला क्या है? दरअसल बात क्या है कि 2016 में जिम्बाब्वे में एक कल्चरल फेस्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बोला कि वो मिस्टर बीन को भेजेंगे, यानी कि रोवान एटकिंसन को, बट उन्होंने एक उसका डुप्लीकेट मिस्टर बीन भेज दिया जिससे जिम्बाब्वे को काम चलाना पड़ गया। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान की कोई चालाकी है। मे बी दे गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, फॉर एग्जाम्पल कोहली एंड बाबर। बट एनीवे, पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप बिकॉज इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। अपना छेती छेती अप्पा इस हफ्ते दी न्यूज दी गल कर लेंदी सी, थोड़ा पंजाबी वीक सी, टॉलरेट सी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आपने सुना होगा कि पिछले हफ्ते लिस्ट ट्रस्ट के रिजाइन करने के बाद अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ऑल्सो ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। और ये बहुत मल्टी टैलेंटेड है। ही इज रिच, ही इज एजुकेटेड, ही इज चार्मिंग, ही इज ब्राउन एंड ही इज ऑल्सो क्रिकेट कॉमेंटेटर। ओके, दिस इज आशीष नेहरा, बट यू कैन हार्डली टेल द डिफरेंस। इस हफ्ते NBDSA, यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, क्वाइट अ माउथफुल, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे न्यूज चैनल जो होते हैं उन पर भाषा की मर्यादा को, उनके कंटेंट को मॉनिटर करते हैं। और उन्होंने इस हफ्ते न्यूज 18, जो एक न्यूज चैनल है, उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे पर 50,000 का जुर्माना लगाया है, जो ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स है उनका उल्लंघन करने के लिए। इस शो को होस्ट करते हैं अमन चोपड़ा, जिनका सिर्फ नाम अमन है, काम आग लगाने वाले हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब हिजाब वाला मसला चल रहा था तो अप्रैल 6 को इन्होंने उसको लेकर एक डिबेट किया था, एंड ही सेड, एंड आई कोट, हिजाबी गैंग एंड हिजाब वाली गजबा गैंग। और इसी को लेकर NBDSA ने आपत्ति जताई है। और ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने गंदा, अनफनी और भद्दा वर्ड प्ले किया है। इसके पहले भी ये JCB को जिहाद कंट्रोल बोर्ड बता चुके हैं। एंड द फनी पार्ट इज कि इनके शो का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। सवाल ये उठता है कि सर आप देश को कैसे सीधा रखेंगे जब आप खुद इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं। तो बात तो सही है। Now this particular news highlights a bigger issue here. आपको याद होगा कि पिछले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यूज चैनल्स को फटकार लगाई थी कि कैसे जो न्यूज चैनल्स होते हैं और इनके एंकर्स होते हैं, ये न्यूज के आड़ में नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। जरूर इनमें से कई सारे लोगों के न्यूज शो होंगे जो आपके घर पर चलते होंगे, और कभी अगर अगली बार आपके घर पर इनके न्यूज शो चले तो इनकी भाषा पर, इनकी भाषा शैली पर, इनके टिकर्स पर, इनकी हेडलाइंस पर फोकस करना। आपको समझ में आएगा कैसे वर्ड प्ले किया जाता है, कैसे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, और कैसे ये कम्युनल आंच पर ना एक डिबेट को सेका जाता है। मतलब मेन मुद्दे से तो डाइवर्ट किया ही जाता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से व्यूअर की भी ब्रेन वॉशिंग होती है। एंड यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। अगर आप उतने प्रिविलेज हैं कि आप यूट्यूब देखते हैं, आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, तो आपको पता होगा कि भाई ये प्रोपोगंडा क्या होता है, कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे क्या है। लेकिन बहुत चांसेस है कि हम में से कई लोगों के घर वाले जो हैं उनको ये सब नहीं पता। उनको बस इतना पता है कि घर आते टाइम काम के बाद न्यूज चैनल खोलना है, जो सामने न्यूज आएगा वही हमको सुनना है। अगर आपको ये सब पता है, अगर आपको सही में लगता है कि कहीं प्रोपोगंडा चल रहा है या फिर आपके घर वालों को नफरती बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कोशिश इतना कीजिए कि आपके घर पर ऐसे न्यूज चैनल बिल्कुल ना चले जो आपके घर वालों में ये नफरत घोले। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि कई सारे जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं वो फिलेंथ्रोफी के नाम पर कई करोड़ों रुपए जो है वो डोनेट करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो डोनेशन करते हैं इसकी भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और हमें पता चलता है कि किस बिलियनर ने कितने रुपए डोनेट किए। इस हफ्ते भी ऐसी एक लिस्ट आई और पता चला कि HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर हमारे देश के सबसे बड़े बिलियनर फिलेंथ्रोफिस्ट हैं। मतलब ये एक ऐसे अरबपति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रुपया दान किया है। इन्होंने पिछले एक साल में 1100 करोड़ रुपए दान किए हैं, ऑन एन एवरेज 3 करोड़ रुपए पर डे, विच इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द सेकंड पर्सन इन द लिस्ट। और भी कई सारे नाम थे, अंबानी, अडानी, बिरला, जो बड़े बड़े फैमिलीज होते हैं उन्होंने डोनेशन दिए हैं। अदर लोगों का प्राइमरी टारगेट एजुकेशन था, जिसमें से शिव नादर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो है अजीम प्रेम जी एंड देन द अंबानी फैमिली।
सेकेंड न्यूज इज कि इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इस हफ्ते एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अपनी पहले कमर्शियल रॉकेट के द्वारा 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में भेजी हैं। ये सैटेलाइट्स यूके बेस्ड कंपनी वन वेब की हैं, जिन्हें वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए स्पेस में भेजा गया है। अभी हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि ये ऐसा पहला रॉकेट मिशन था जिसका जो पेलोड था वो 5500 किलो यानी कि 5000 किलो से भी ज्यादा था। एंड नाउ विद दिस मिशन इंडियन स्पेस एजेंसी इज सेटिंग एग्जांपल्स फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज टू फॉलो। बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गई, चलो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अच्छा, अगली न्यूज थोड़ी उदास कर देने वाली है, बट इस हफ्ते इंटरनेट पर काफी चर्चा रही इस बारे में। इस गोरिल्ला को जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम है बुआ नुई और इसे वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट गोरिल्ला यानी कि दुनिया का सबसे अकेला गोरिल्ला बताया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ये पिछले 30 सालों से बिल्कुल अकेले रह रहा है। दरअसल इस गोरिल्ला को 1990 में जब ये महज एक साल का था तब इसे बैंकॉक के थाईलैंड लाया गया और एक शॉपिंग मॉल के 7वें फ्लोर पर एक छोटा सा जू बनाकर उसे कैद कर दिया गया। तब से 30 साल बीत गए और ये गोरिल्ला आज भी वहां कैद है। इस गोरिल्ला को आजाद कराने के लिए कई लोगों और संगठनों द्वारा कोशिश की जा चुकी है, लेकिन क्योंकि ये जानवर अब जू की प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए जू के मालिकों ने इसे आजाद करने के लिए 6 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे देने के लिए कई सारे फंड रेजर्स भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस गोरिल्ला को अब 30 सालों बाद आजाद कर देना चाहिए या फिर ये पैसे के लिए इंसान थोड़ा ज्यादा नीचे गिर रहा है, कमेंट करके बताइए। फाइनेंस न्यूज की बात करें तो इस हफ्ते इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $75 बिलियन यानी कि $75 अरब हो चुका है। हालांकि मार्केट में बॉयकॉट चाइना का सेंटिमेंट बहुत भुनाया जाता है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो बड़ा है। इसी साल में दोनों देशों के बीच $100 बिलियन का व्यापार हुआ है। चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स यानी कि GAC ने डेटा रिलीज करके बताया है कि इस साल चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया हैव ग्रोन बाय 30%, और वहीं दूसरी ओर इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 36% से कम हो गए, जिसके कारण जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर $75 बिलियन के करीब हो गया है। तुमने भी दिवाली पर इस बार चाइनीज झालरें लगाई थी ना, झूठ मत बोलो। चलो आपको बढ़िया सी नॉनसेंस न्यूज सुनाता हूं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी जिसमें एक पुलिस ने चोर से चोरी की थी। अब इस हफ्ते उसका ही सीक्वल आया है जिसमें चोरों ने पुलिस से चोरी की है। जी हाँ, ये गुजरात के आनंद जिले की खबर है। हुआ यूं कि कुछ टाइम पहले पुलिस ने छापा मार के कुछ लोगों से कई क्विंटल गांजा बरामद किया था और उसे बोरों में पैक करके पुलिस स्टेशन के कस्टडी रूम में रख दिया। तो चोरों ने रातों रात कस्टडी रूम की खिड़की तोड़ के 4 बोरी माल वापस चुरा लिया। क्या बात है सर, ये बात है। अब पुलिस ने अपने ही स्टेशन से चोरी का रिपोर्ट लिख लिया है और ये पता लगाने में लगे हैं कि चोरों की हिम्मत ज्यादा थी या तलब। क्या आपको पता है कि सिंगापुर जो सिटी है वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सबसे महंगी सिटीज में से एक है, और इस हफ्ते एक खबर आई जो उसको साबित करती है। सिंगापुर अब एक ऐसी सिटी है जहां एक बाइक का परमिट कार से ज्यादा महंगा हो गया है। मतलब हाँ, 2 पहिए का परमिट 4 पहिए से ज्यादा महंगा। मतलब अगर आप सिंगापुर में एक 10 साल का बाइक परमिट लेते हो तो वो आपको वहां की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मिलेगा $9,000 में। रुपए में बताऊं तो लगभग 7.5 लाख रुपए। इतने में यहाँ पर वैगनार का टॉप मॉडल आ जाएगा, वो भी ऑन रोड। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। पहली पॉजिटिव न्यूज आती है क्रिकेट से, और नहीं मैं विराट कोहली की पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो मैं पूरे दिन भर उसके बारे में बात कर सकता हूं। खबर यह है कि BCCI, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में क्रिकेट को हेड करती है, उन्होंने इस हफ्ते मेन और वुमेन दोनों क्रिकेटर्स को सेम मैच फीस देने का ऐलान किया है। इसके पहले क्या होता था कि जो मेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होते थे उन्हें ज्यादा मैच फीस मिलती थी और जो वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होते थे उन्हें कम मैच फीस मिलती थी। एंड दैट कैन बी सब्सटेंशिएटेड बाय अ सिंपल फैक्ट कि जो बालकों के क्रिकेट मैचेस होते थे वो हमारी छोरियों के क्रिकेट मैचेस के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। बट कंसिडरिंग कि अब स्पोर्ट्स में इक्वालिटी पर फोकस किया जा रहा है एंड BCCI बींग द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड एक एग्जाम्पल सेट कर सकता था और उसने किया, तो एक पॉजिटिव न्यूज है। इससे बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी वुमेन एथलीट्स को इक्वल पे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने में ज्यादा मदद मिलेगी। हमारे देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया कि देश के 2 ऐसे बीच हैं, टुंडी बीच एंड कडमार बीच। ये दोनों बीचेस लक्षद्वीप में हैं और इन्हें इस हफ्ते ब्लू बीचेस का सर्टिफिकेशन मिल गया है। नाउ एक ब्लू बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो क्लीनेस्ट बीचेस यानी कि दुनिया के सबसे साफ बीचेस को ही दिया जाता है। ये इतनी कोविडेड लिस्ट है कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ 10 ऐसे बीचेस थे जिन्हें ब्लू बीच माना जाता था, और इन दोनों के ऐड होने के बाद अब टोटल टैली 12 बीचेस पर पहुंच चुकी है जो एक ब्लू बीच माने जाते हैं। इस अचीवमेंट को नोटिस करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इस बात की सराहना की है।
इनसे मिलिए। ये है अर्जी बालाकृष्णन, ये आंध्र प्रदेश के एक सैनिटेशन वर्कर हैं और इन्होंने इस हफ्ते नेशनल सीनियर मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये पेशे से एक सैनिटेशन वर्कर हैं। सैनिटेशन वर्कर्स यानी कि वो लोग जो हमारे नाले साफ करते हैं, हमारा कचरा उठाते हैं, वो सारे काम करते हैं जो अपर कास्ट के कई लोग करना पसंद नहीं करेंगे। आप जैसे अगर जानते होंगे कि जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो ज्यादातर दलित कम्युनिटी से आते हैं और उनका फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस काफी वीक होता है, और इन्होंने ये गोल्ड मेडल इतनी आसानी से नहीं जीता। इनके मुताबिक ये सुबह 4 बजे उठकर अपने काम पर जाते थे, नालियां वगैरह साफ करते थे और उसके बाद शाम को ये पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। नाउ ये तो हम सबको पता है कि जो पावर लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट होते हैं ये काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट होते हैं, इन द सेंस कि इसमें जो ट्रेनिंग और डाइट लगती है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए अर्जी ने भी ये चैंपियनशिप जीतने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी सरकार से ये मांग की है कि उन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया जाए, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि आप अपना ट्रेनिंग और आप अपनी पावर लिफ्टिंग को कंटिन्यू कीजिए, सरकार आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। अगला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कन्याश्री क्लब, जिसकी वजह से एक बच्ची अपनी जिंदगी बचाने में सक्सेसफुल रही। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की एक 15 साल की बच्ची को पता चला कि उसके जो माँ बाप हैं वो लड़के वालों से बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी शादी करवा सकते हैं। ना उसको ये पता था कि वो अभी 15 साल की है और उसकी लीगल एज शादी की नहीं है, इसलिए उसने 1098 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया। उसने अपने इस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वालों से संपर्क किया, वहां के ऑफिशियल से संपर्क किया और फिर पुलिस को बुलाकर अपनी शादी रुकवाई और अपने माँ बाप को ये कन्विंस करवाया कि जो वो करवाने जा रहे थे वो एक अपराध है। मतलब समझो बरातियों का स्वागत मिठाई से किया जाता है, पुलिस के डंडों से होगा अच्छा नहीं लगेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस गर्ल वॉज अ मेंबर ऑफ द कन्याश्री क्लब्स। अभी कन्याश्री क्लब्स क्या है? दरअसल ये एक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो यूनिसेफ की मदद से बंगाल के कई सारे जिलों में चल रहा है। इसमें होता क्या है कि स्कूल के लेवल पर काफी सारी बच्चियां होती हैं, उनको मिलाकर एक कन्याश्री क्लब बनाया जाता है और उस कन्याश्री क्लब की जो मेंबर्स होती हैं उनको उनके लीगल राइट्स, चाइल्ड राइट्स के बारे में, उनके बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि अगर भी आपके साथ ऐसा हो तो आप हेल्पलाइन पर संपर्क करके सरकार द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसे इनिशिएटिव सही में सोसाइटी में एक चेंज ला रहे हैं। एक सर्वे में यह भी पाया गया था कि इस इनिशिएटिव की वजह से वहां के कई जिलों में बाल विवाह के केसेस में कमी आई है, क्योंकि वहां की बच्चियों को उनके हक के बारे में बताया जा रहा है। Isn't that beautiful? अब सोचो अगर इतना कुछ वैसे ही हो गया तो पब्लिक ने कितने मजे लिए होंगे। Congratulations आशीष नेहरा on becoming the new PM of UK. Which is true यार, कि मतलब तुम देखो तो अब डोपलगैंगर का ना एक और वर्जन आ गया है, रॉजर फेडरर, अरबाज खान, ऋषि सुनक, आशीष नेहरा। निमोताई ने ट्वीट किया है, निर्मला सीतारमन विल प्रोबेबली सपोर्ट केजरीवाल सजेशन ऑफ पुटिंग लक्ष्मी एंड गणेशा इमेज ऑन करेंसी नोट्स, फॉलिंग रूपी कैन देन बी इजली कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड। निमोताई, इट इज नॉट दैट द ट्वीट इज फनी, इट इज दैट आई एम लाफिंग। तलाती ने ट्वीट किया है, सॉरी इंडियन अमेरिकन्स, इट्स नो लॉन्गर गुड इनफ टू बी अ सीईओ, यू नाउ हैव टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ फॉर्मर कॉलोनाइजर, नाउ दैट्स द न्यू बार। अब नहीं है कि हम कहीं के सीईओ वगैरह हैं, अब तो या तो हम मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं या हम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इट्स नॉट अबाउट कॉन्करिंग, नाउ इट्स अबाउट कॉलोनाइजिंग। नीतीश राजपूत, हू इज आल्सो अ वेरी गुड क्रिएटर, हैज ट्वीटेड, केजरीवाल हैज रियलाइज्ड दैट एन एक्टिविस्ट कांट बीट अ पॉलिटिशियन, ओनली अ पॉलिटिशियन कैन बीट अनदर पॉलिटिशियन, जो कि काफी सच है। बेसिकली आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है कि हम बीजेपी को बीजेपी की ही नैरेटिव से काउंटर करेंगे, ये काफी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बोला है कि दैट इज अ स्मार्ट मूव। काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हरकत है, आप लोग आए थे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की पॉलिटिक्स खेलने के लिए एंड नाउ आप इन सब में उतर रहे हो, बट आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से देखो तो उनको चुनाव जीतना है ना, तो आपका इस मामले में क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हो। सैफ काजम, मालिक जब इतना हो ही गया है तो एक कोहिनूर भी वापस ले ही आते। अभिषेक ने ट्वीट किया है, पराग अग्रवाल गेटिंग फायर्ड बाय इलोन मस्क इज अ रिमाइंडर दैट एज एन इंडियन यू शुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब और फॉर जॉब सिक्योरिटी। मतलब सही बात है यार, आजकल सीईओ है वो, उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप क्या अपने आप पे गमंड कर रहे हो, और मैं किस मुंह से बोल रहा हूं, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूं। मोहम्मद नवाज इन लास्ट ओवर ऑफ एवरी मैच, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे देता हूं। ऐसा है राजबेट्स इंडिया भाई, नो वन विल पॉइंट फिंगर्स एस्पेशली एट नवाज। पक्चिक पप राजा बाबू ने एक इमेज शेयर की है, बेटा हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया मत जाना, ये वहां परफॉर्म नहीं करता। केएल राहुल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मे बी राहुल गांधी की बात हो रही है। पंस्टर ने ट्वीट किया है, पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो पीएम भी बन सकता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको,
जॉन एरिकमैन हैज ट्वीटेड इलोन मस्क जर्नी। 19 साल में कॉलेज डॉर्म में पीसी बेचते थे, 24 साल में Zip2 स्टार्ट किया इन्होंने, 28 साल में PayPal, 30 साल में SpaceX, 32 साल में उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया, 44 साल में इन्होंने OpenAI स्टार्ट किया, अनदर बिग प्रोजेक्ट इज Neuralink जिस पे काम कर रहा है, 45 साल की उम्र में बोरिंग कंपनी, और 51 साल की उम्र में इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया। ये तो कंपनी ऐसे खरीद रहा है जैसे हमारे यहाँ लोग MLA खरीदते हैं। जिम्बाब्वे के न्यूज एंकर आज प्राइम टाइम पर पाक जिम्बाब्वे का मैच का रिजल्ट बताते हुए उसे विश्वास नहीं हो रहा अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई, लेकिन उन्होंने कहा मौत को छू के टक से वापस। एलोन मस्क पराग अग्रवाल और ट्विटर कर्मचारियों को निकालने के बाद सुग्रा मुनीर इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन द मुंबई, ऑल ओवर इंडिया। सोहम ढाल इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी विच हैज द लार्जेस्ट NIT इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इज ऑल्सो गोइंग टू होस्ट द 2023 मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप इन द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम विच इज लोकेटेड इन रौरकेला इन उड़ीसा। और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की कहानी भी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ी थी, जब बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जनजातीय समूह से लड़ा था, तो ये भी एक उड़ीसा के ही सज्जन ने बताया था। एंड नाउ वी ऑल्सो नो दैट 2023 हॉकी वर्ल्ड कप वुड बी हेल्ड इन आवर कंट्री होस्टेड बाय रौरकेला। कैफ इज वॉचिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट in which the Grand Canyon of India is located. Grand Canyon of India is located in Gandhi Kota in Kadapa district, and I hope I'm pronouncing both of them right. और ये काफी ज्यादा ग्रैंड कैनियन जो अमेरिका में है उसकी तरह दिखता है, बेंगलुरु और हैदराबाद से ड्राइविंग डिस्टेंस पर है और काफी खूबसूरत जगह है, तो आप कोई एक गेटअवे के लिए जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं। आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो बस इतना करना है, शो देखते हो एक सेल्फी लेनी है, सोशल मीडिया पर अपलोड करना है विथ द हैशटैग गिवन ऑन योर स्क्रीन, एंड अगले एपिसोड में आपकी सिटी की एक हिंट जरूर बता देना जिसको हम गेस करने की कोशिश करेंगे। यदि आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एज यूजुअल अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, भले चंगे रहिए, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।